गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, ये आपकी बुक है सब संग्रह, इसी से हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना। अभी तक आपने का से ज्ञान और आ से आह पढ़ा, ठीक है, उसी को फिर हम आज पढ़ेंगे क्योंकि अभी आपका वही चल रहा है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं पढ़ना। आप लोग भी अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ साथ आप लोग पढ़िए। तो बुक निकालिए अपनी और जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा और फिंगर रख के पढ़िएगा, ठीक है। और जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। अ अ है, ये अ बना है, अ से अनार होता है, अनार लाल लाल होता है, दाने उसके लाल होती हैं, अनार हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। तो आ से अनार, आ से आम, इस समय आम का मौसम है, आप लोग आम खा रहे हैं। आम से क्या क्या बनता है आपको पता ही है, आम से मैंगो शेक बनता है, जूस बनता है ना। आम हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, तो आ से आम। छोटी से, तो छोटी से इमली होती है, इमली खट्टी खट्टी होती है। बड़ी ई, बड़ी से ईंख, ईंख गन्ने को कहते हैं, गन्ने का इस समय रस मिलता है, गर्मियों में पिया जाता है, आप लोग पीते हैं। फिर छोटाऊ, छोटाऊ से उल्लू, छोटाऊ से क्या होता है, उल्लू होता है। फिर बड़ा ऊ आता है और बड़ा ऊ से होता है ऊन, ऊन से मम्मी स्वेटर बुनती हैं। स्वेटर हम लोग हमेशा ठंड में पहनते हैं, ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहना जाता है। तो अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू और बड़ा उसे ऊन। अ से अनार, आ से अनार, आ से आम, आ से आम, छोटी से इमली, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, छोटा बना हुआ है उल्लू और बड़ा उसे ऊन। नेक्स्ट पेज पे देखिए, री, री से ऋषि, ऋषि जी ध्यान लगा रहे हैं, री से ऋषि। ए से एड़ी, ए से क्या होता है, एड़ी होता है, ए से एड़ी। ऐसे ऐनक, आप लोग ऐनक लगाते हैं, दादाजी नाना जी लोग ऐनक लगा के क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं ना, ऐसे ऐनक। ओ, ओ से ओखली, ओ से ओखली। फिर आओ, आओ से औरत, मम्मी जैसी प्यारी सी। अंग से अंगूर, अंगूर भी एक फल होता है, सब लोग खाता है, खट्टा मीठा दोनों होता है। और आहा से कुछ नहीं होता है, आहा से कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क, क से कबूतर, क से क्या होता है, कबूतर। फिर होता है ख, ख से खरगोश, मेरे साथ साथ आप लोग बोलिए, क से कबूतर, ख से खरगोश। ग से गमला, घ से घर, अंगा से कुछ नहीं। क से कबूतर, घ से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंगा से कुछ नहीं। च से चम्मच, च से चरखा, छ से छाता। तो देखिए, छ से छाता के बाद क्या आएगा, ज से जहाज, पानी वाला, ज से जहाज, झा से झंडा, यहाँ से कुछ नहीं। जा से जहाज, झा से झंडा, यहाँ से कुछ नहीं। टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, टा से टमाटर, ठा से ठठेरा। डा से डमरू, ढो से ढक्कन, अड़ा से कुछ नहीं। टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन, अड़ा से कुछ नहीं। देखिए, त से तरबूज, थ से थर्मस, त से तरबूज, तरबूज एक फल होता है, इस मौसम गर्मियों में मिलता है, लाल लाल बहुत मीठा मीठा होता है। थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग। फ से फल, ब से बकरी, फ से फल, ब से बकरी। भ
से भगत, म से मछली, या से यज्ञ, रा से रथ, या से यज्ञ रा से रथ, ला से लट्टू, वा सेवक, ला से लट्टू वा सेवक, शा से शलजम, पेटा शा से षटकोर। शलजम एक सब्जी होती है, खाई जाती है। पेटा शा से षटकोर, सा से सपेरा, हा से हल, सा से सपेरा, हा से हल। फिर छ से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ग्या से ज्ञानी और श्रा से श्रमिक। अब देखिए बिना पिक्चर के पढ़ लेते हैं हम लोग कायदे से। ये क्या लिखा है, स्वरवेय अक्षर होते हैं जो मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये आपको आगे के क्लास में बताया जाएगा जब आप लोग UKG में जाएंगे तब। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, आ से औरत, अंग से अंगूर, आ से कुछ नहीं। फिर आ से, मेरे साथ साथ बोलिए, अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, अ से औरत, अंग से अंगूर, आ से कुछ नहीं। फिर चलिए पढ़ लेते हैं। क से कबूतर, ये व्यंजन वे अक्षर होते हैं जिन पर मात्राएं लगती हैं। ये मात्राएं हैं, स्वर हैं, और ये व्यंजन है जिन पे ये लगाया जाता है। ठीक, अब देखिए, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, ङ से कुछ नहीं, च से चरखा, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, इया से कुछ नहीं, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ा से कुछ नहीं, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकर, बत्तख, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वर्षा, श से शलजम, पेटा श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, य से ज्ञानी, श से श्रमिक। और फिर पढ़ लेते हैं। क से कबूतर, ख से, मेरे साथ साथ आप लोग बोलिए, खरगोश, ग, ग से गमला, फिर क्या आता है, घ, घ से घड़ी, अंगा, अंगा से कुछ नहीं, च, च से चरखा, छ, छ से छाता, ज, ज से जहाज, झ, झ से झंडा, यहाँ से कुछ नहीं, ट, ट से टमाटर, ठ, ठ से ठठेरा। फिर क्या आएगा, ड, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ा से कुछ नहीं, त से तरबूज, थ से थर्मस, ड से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बत्तख, भ से भगत, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वर्षा, श से शलजम, पेटा श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ग से ज्ञानी, श से श्रमिक। तो आपने क्या किया, आ से यहाँ तक पढ़ा, उसके बाद का से ज्ञा तक पढ़ा, ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे,
क्या करेंगे बताइए। अब हम लोग लिखेंगे, तो अपनी अपनी कॉपी निकालिए, पहले क्लास वर्क करेंगे फिर होमवर्क करेंगे, ठीक है। तो आपकी कॉपी है, इसमें हम डेट डाल देंगे, ऐसे, और सी डब्ल्यू लिख देंगे, है। तो अभी पापा बाबा आपने लिखा था, वही प फ ब भ म ही सी डब्ल्यू में आप लोग लिखेंगे। एच डब्ल्यू में हमने आपको दिया था, अब उसको आप लोग सी डब्ल्यू में करेंगे। तो क्या लिखेंगे, प फ से पतंग, फ फ से फल, ब ब से बत्तख, भ भ से भालू, म और म से मछली। ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और उसके बाद इसी को देख देख कर बोल बोल कर आपको पेंसिल से पूरे पेज पर आप लोगों को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बोल बोल के, प व से पतंग, प फ से फल, ब ब से बत्तख, भ भ से भालू, म म से मछली। फिर बोलेंगे, प प से पतंग, फ फ से फल, ब ब से बत्तख, भ भ से भालू, म म से मछली। प प से पतंग, फ फ से फल, ब ब से बत्तख, भ भ से भालू, म म से मछली। फिर ऐसे बोलेंगे, प प से पतंग, फिर बोलेंगे फ फ से फल, ब ब से बत्तख, भ भ से भालू, म म से मछली। फिर ऐसे बोल के लिखेंगे, आपको वन पे लिखना है और बोल बोल के लिखना है। क्या करना है, आपको जो भी वर्ण आप लिख रहे हैं उसको आपको बोल बोल कर जब आप लिखेंगे तो आपको लिखने के साथ साथ आपको वह याद होता भी रहेगा, इसलिए बोलिए जरूर, जो भी लिख रहे हैं उसको बोलिए। पा से पतंग, पा से फल, बा से बत्तख, भा से भालू, मा से मछली। फिर बोलेंगे ऐसे ही, पा से पतंग, पा से फल, बा से बत्तख, भा से भालू, मा से मछली। फिर बोलेंगे, पा से पतंग, पा से फल, बा से बत्तख, भा से भालू, मा से मछली। ऐसे ही देख देख के आपको वन पेज पूरा लिखना है और बोल बोल कर लिखना है। जो भी लिखना है आपको क्या करना है, बोल बोल कर ऐसे लिखना है। पा से पतंग, पा से फल, बा से बत्तख, भा से भालू, मा से मछली। ऐसे देख देख के आपको पूरा वन पेज लिखना है, ठीक है। तो ये आपका क्लास वर्क हो गया, इसको नोट कर लीजिए कायदे से, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में बोल बोल कर कायदे से लिखिएगा तो आपको याद होता रहेगा, चाहे वो का से लिखे यहाँ तक, जो भी वर्ण बोलिए उसको लिखिए, उसको बोल बोल कर लिखिए, जब बोल बोल कर लिखेंगे तो आपको याद होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा क्लास वर्क, क्लास वर्क कम्प्लीट हो गया, देखिए हो गया ना। और साथ में जो आपको राइटिंग बुक मिली है उस राइटिंग बुक में भी पर डे 1 से 2 पेज लिखिए, जब आपको समय मिले उसको लिखिए, पर डे 1 से 2 पेज उसको लिखिए, ठीक है। किसको, राइटिंग बुक भी साथ में अपनी फिल करते रहिए, राइटिंग बुक फिल करना भी ज़रूरी है। अगर राइटिंग बुक फिल करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग और सुंदर हो जाएगी, तो राइटिंग बुक भी साथ में अपनी भरती रहिए, ठीक है। अब हम होमवर्क नोट करेंगे, तो होमवर्क कॉपी निकालिए अपनी और होमवर्क नोट कीजिए, डेट डाल देंगे ऐसे,
या होमवर्क लिख देंगे, ठीक है, ऐसे उसका होमवर्क नोट करेंगे पापा पापा के क्या आगा, या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वर्षा, शा से शलजम। और इसी को देख देख कर पूरे वन पेज आपको करना है। या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वर्षा, शा से शलजम। ये देख देख कर पूरा आपको अपने कॉपी में बोल बोल कर इसको लिखना है होमवर्क कॉपी में। तो ये आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया, देखिए हो गया ना, तो आपका क्लास वर्क होमवर्क दोनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये शा से शलजम है, आपका कंप्लीट हो गया। तो होमवर्क क्लास वर्क दोनों कंप्लीट होगा, जो हमने पढ़ाया है उसको कायदे से पढ़िएगा, ठीक है, और खूब अच्छे से पढ़िए। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।